शनिवार को एडवोकेट सतीश उके द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर एक अस्पताल के जरिए जमीन पर कब्जा कर लगभग 2000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में उन्होंने अधिक जानकारी साझा की। शनिवार को हुई पत्रकार परिषद में एडवोकेट सतीश उके ने कहा कि भविष्य के प्रधानमंत्री देवेंद्र फडणवीस की निजी दोते ने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जामटा नागपुर के लिए अपने सहयोगियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री सहायता कोष और सीएसआर कोष के सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इस संगठन ने फडणवीस की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर नागपुर के कार्यालय में झूठे दस्तावेज जमा कर 3 दिन के भीतर गैर अनुमति प्राप्त की, MRDC से जमीन खरीदने से पहले अनापत्ति प्राप्त की। मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस के कार्यकाल के दौरान उन्होंने सहचारिटी आयुक्त के रूप में अपनी पसंद के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया और जांच और लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के लिए संगठन के प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। मी जे सांगतोय आपल्याला या सर्व गोष्टीच्या विलिंग दिलेल्या आहेत, आपण ह्या गोष्टी व्हेरिफाय करू शकता गुगलवरून। त्याच्यामध्ये सर ट्रेडमार्क्सची माहिती आहे, त्याची जी भविष्यातील वाटचाल जी होती ती त्यांनी त्या PC मध्ये सांगितली होती। त्यानंतर महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीकडून त्यांनी बॅकग्राऊंडमध्ये मिळवलेलं सर्टिफिकेट जे आहे ते मालक होण्याच्या पूर्वी त्यांच्या नावावरती ते सर्टिफिकेट मिळालं। त्याच्यामध्ये देवेंद्र फडणवीसच्या राजकीय प्रभावाचा कसा उपयोग करण्यात आला, करता सन 2014 साली 2.80 लाख रुपयात जमीन खरेदी केली होती आणि ती जमीन खरेदी त्यांनी नामांतरण जे झालं सातबाऱ्यावरती ते 8व्या महिन्यात झालं, तेव्हा देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष होते आणि याचं फेर। उन्होंने आगे कहा कि अपने इशारों से खुद को भविष्य का प्रधानमंत्री मानने वाले देवेंद्र फडणवीस का जिंदा तोता वह तोता है जिसका इस्तेमाल उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में लगभग 2000 करोड़ रुपए का यह कार्य जालसाजी, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, गलत पहचान और आपराधिक गतिविधियों और भ्रष्टाचार के माध्यम से सरकारी जमीन पर कब्जा करके किया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।